हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम टू द चैनल ब्लॉग्स टू एक्टिंग। आज के समय में सभी के पास सब कुछ है, बस नहीं है तो वह है समय। इंसान अपना सब कुछ खोकर वापस पा सकता है, चाहे वह धन हो या कुछ और, बस नहीं पा सकता है तो वह है समय। आज के समय में समय बर्बाद करना पैसे बर्बाद करने के बराबर ही है। आज भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो घंटों सिर्फ फालतू के कामों में समय व्यर्थ करते रहते हैं। उन्हें ना तो प्रेजेंट की चिंता है ना ही फ्यूचर की, बस आरामी जीवन जीते रहते हैं। हमारे जीवन में पैसे का उतार चढ़ाव भी चलता रहता है। खोए हुए पैसे हम फिर से पा सकते हैं, पर गवाया हुआ समय नहीं। जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति अपने पैसों में उतार चढ़ाव देखता रहता है, और जब कभी घाटा हुआ तो मार्केट शेयर बढ़ने के बाद वह फिर से पैसे कमा सकता है। समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना गवाएं। आज समय रहते आपने समय की कद्र कर ली तो समय भी आपकी कद्र करेगा। जैसे हम अपने जीवन के कुछ अनमोल पलों को कभी बयां नहीं कर सकते, हमारा हर एक पल कीमती है। आज का दिन और आज की तारीख किसी के लिए नहीं रुकती। आज की जो तारीख चली गई, फिर वो लौटकर कभी नहीं आएगी, चाहे आपने उसका यूज किया या नहीं। एक वर्ष की कीमत उस बच्चे से पूछो जिसने अपना एक साल पढ़ाई में गवा दिया, अर्थात कक्षा में वह असफल हो गया। एक महीने की कीमत उस माँ से पूछो जिसने एक महीने पूर्व प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया हो। एक वीक की वैल्यू उस न्यूज एडिटर से पूछो जिसका पेपर सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन प्रकाशित होता हो, या फिर उस वर्कर से पूछो जिसे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन हॉलीडे मिलता है। एक दिन की वैल्यू उस बच्चे से पूछो जिसने 29th February को जन्म लिया हो। एक घंटे की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जो आपसे मिलने के लिए एक घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हो। एक मिनट की वैल्यू उस पैसेंजर से पूछो जिसने एक मिनट पहले अपनी ट्रेन मिस कर दी हो। एक सेकंड की वैल्यू उस व्यक्ति से पूछो जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। इसीलिए समय के पाबंद रहें और समय की कद्र करें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।